झारखंड सरकार ने अपनी नियोजन नीति में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को बाहर कर दिया था और दूसरी भाषाओं को उसमें जोड़ लिया था। इसको लेकर पूरे झारखंड भर में एक विरोध प्रदर्शन हो ही रहा था। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था। इसी को लेकर झारखंड सरकार ने एक सर्वे भी कराया और उसके बाद नियोजन नीति में बदलाव किया और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को वापस स्थापित कर दिया। इसी को लेकर बिरसा युवा मंच के अध्यक्ष पूर्व DIG राजीव रंजन सिंह खुद सांची सड़क पर उतरे और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माला चढ़ाने के बाद लोगों के बीच मिठाई का वितरण किया, मिठाई बांटी और खुशी मनाई और सरकार को बधाई दी कि सरकार ने समय रहते इस नीति को वापस बदल दिया। भाई के लिए मिठाई मिल रहा है, पता है। यहाँ का लोग जो लोकल भाषा को लेकर के जो था जो यहाँ का बाहर जल्दी एक्चुअली आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि माननीय उच्च न्यायालय और झारखंड सरकार को धन्यवाद ज्ञापन बिरसा युवा मंच के तरफ से दिया जाए कि आपको जैसा पता है कि नियोजन नीति की लड़ाई विगत 1.5 सालों से झारखंड में चल रही थी। सरकार ने हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी माने इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, इनको नियोजन नीति से हटा दिया था। इसके चलते झारखंड के कई क्षेत्रों के रहने वाले हम समझते हैं कि 80% झारखंड के लोगों को, झारखंड के युवाओं को दिक्कत हो रही थी। इसकी लड़ाई चल रही थी। माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद सरकार ने परसों दिन कैबिनेट की बैठक करके नियोजन नीति को बदल दिया। नियोजन नीति में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को ले आया। जैसा हमें समाचार पत्रों से पता चला कि सरकार ने इसके लिए सर्वे भी कराया और सर्वे के दौरान 70% लगभग हुआ का कहना था ये कि जो सरकार की पुरानी नियोजन नीति थी वो लाई जाए, मतलब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को लाई जाए। ये बहुत स्वागत जो कदम है, सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए कि सरकार ने जो काम किया है और उसी के लिए आज काम कर रहा है। जिंदाबाद।